नमस्कार दोस्तों, आज हम फोटोशॉप के अपडेटेड वर्जन में क्लोजअप पोर्ट्रेट्स का बैकग्राउंड कट करने का सीखेंगे। आसान है, मैं तीन तरीके सिखाऊंगा, पसंद आए उसमें प्रैक्टिस कीजिए। मेरे पास कुछ कर्ली हेयर्स के साथ कुछ वेडिंग फोटोग्राफ्स भी है, फोटोशॉप में ही आसानी से बैकग्राउंड कट करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले हम क्रोमा बैकग्राउंड वाली इमेज बैकग्राउंड कट करके देखेंगे। क्रोमा बैकग्राउंड क्या होता है? वो कलर का बैकग्राउंड जिसमें हमारे बॉडी में या हमारे सब्जेक्ट में वो कलर नहीं है। ज्यादातर फ्लोरोसेंट ब्लू या फ्लोरोसेंट ग्रीन, ये बैकग्राउंड का कलर हमारे बॉडी में या हमारे सब्जेक्ट में नहीं होता, इसलिए ये कलर के बैकग्राउंड हम क्रोमा बैकग्राउंड जैसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने एक क्रोमा बैकग्राउंड पे खींची हुई इमेज नेचुरल बैकग्राउंड पे ड्रैग कर देता हूँ। हमारे पास एक बैकग्राउंड लेयर है और हमारी इमेज है। चाइल्ड फोटोग्राफी में या हमारे सब्जेक्ट में कर्ली हेयर्स है, सबसे आसान होता है आप क्रोमा बैकग्राउंड यूज करके फोटोग्राफ्स निकालिए। फोटोशॉप में अपने टूल पैनल में इरेजर टूल होता है, उस पर क्लिक करते ही हमें ऑप्शन मिल जाता है बैकग्राउंड इरेजर टूल। ये टूल सेलेक्ट कीजिए, इरेजर का साइज बड़ा कीजिए और आप बैकग्राउंड पे क्लिक करके ड्रैग कीजिए। आपका बैकग्राउंड कट हो जाएगा, सिर्फ सब्जेक्ट रह जाएगा। आसानी से 1 सेकेंड में आपने बैकग्राउंड कट कर दिया है। मेरे पास इंटरनेट से डाउनलोड की इमेज थी, इसलिए कुछ ग्रीन सी शैडो सब्जेक्ट पे आ गई है। तो आपके स्टूडियो में क्रोमा बैकग्राउंड पे शूट कीजिए और इस बैकग्राउंड इरेजर टूल का प्रयोग कीजिए, बहुत ही आसान है। दूसरा तरीका देखते हैं। मैं एक बैकग्राउंड इमेज और हमारा पोर्ट्रेट इमेज ओपन कर देता हूँ। इस टेक्निक में हम टोपाज का रिमास फिल्टर यूज करेंगे। मैं फिल्टर्स मेनू में जाता हूँ और टोपाज पे जाकर हमें यहाँ टोपाज रिमास्क ऑप्शन मिल जाएगा। ये प्लगइन ओपन होते ही आपको ग्रीन ओवरले में आपकी इमेज दिखाई देंगी और एक ब्रश मिल जाएगा ब्लू कलर का। उससे पहले ये चेक कर लीजिए, टोपाज रिमास्क के प्रिफरेंसेस में लेयर मास्क एनेबल है क्या? यहाँ चेक मार्क ऑन चाहिए, एनेबल यूज लेयर मास्क। हमें एक ब्लू कलर का ब्रश मिल गया है। हम अपने सब्जेक्ट के आउटलाइन पे ये ब्रश से ड्रैग कर देते हैं। ये ब्रश बड़ा या छोटा भी ब्रैकेट की से किया जा सकता है। सिंपली आपको ये ब्लू ब्रश से आपके सब्जेक्ट के आउटलाइन पे ड्रैग करना है। यहाँ लास्ट तक ड्रैग करने के बाद कलर फिल करना है बैकग्राउंड पे, रेड कलर फिल करना है। यहाँ फिल्स दिए हैं, तीन कलर दिए हैं, उसमें बीच में रेड कलर का फिल दिया है, उसे क्लिक करके मैं यहाँ बैकग्राउंड पूरा रेड कलर से फिल कर देता हूँ और कॉम्प्यूट मास्क ये बटन पे क्लिक कर देता हूँ। इमेज का व्यू कोई भी देख सकते हैं। ओके पे बटन प्रेस करने से हमें बैकग्राउंड कटिंग मास्किंग के साथ मिल जाती है। कुछ इमेज का पार्ट इरेज हो गया है, मास्क थंबनेल सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ ब्रश ले लेता हूँ व्हाइट कलर का। ब्रश की साइज थोड़ी बढ़ा देता हूँ, हमारा सब्जेक्ट वापिस आ सकता है। और यहाँ कुछ इरेज करना है तो हम ब्लैक ब्रश ले लेंगे और यहाँ से ये इरेज भी कर लेंगे। यहाँ भी कुछ इरेज करना है। अब ये मास्किंग के साथ बैकग्राउंड कट किए वाली इमेज बैकग्राउंड पे डाल के देख सकते हैं। ये भी आसान तरीका है, टोपाज रिमास्क 5। इसकी भी आप प्रैक्टिस करना जरूरी है, आपको आसानी से 5-6 सेकंड में बैकग्राउंड कट करके मिलेगा। तीसरी टेक्निक जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और फोटोशॉप का हमें वरदान है, सेलेक्ट सब्जेक्ट। एक क्लिक में आप बैकग्राउंड कट कर सकते हैं। मैं एक बैकग्राउंड ले लेता हूं और एक इमेज ओपन कर लेता हूं। हमारे पास टूल्स मेनू में सिलेक्शन के टूल है 3, मार्को टूल, लासो टूल और क्विक सिलेक्शन टूल। कोई भी सिलेक्शन का टूल लेंगे तो आपको यहाँ सेलेक्ट एंड मास्क का बटन मिल जाएगा, उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सेलेक्ट एंड मास्क की विंडो ओपन हो जाएगी। व्यू चेंज कर देता हूँ ओवरले से, क्योंकि हमें सेलेक्टेड पार्ट और नॉन सेलेक्टेड पार्ट दिख जाता है। और यहाँ ऊपर के पैनल में हमें सेलेक्ट सब्जेक्ट का बटन मिल गया है, सिर्फ इस बटन पे क्लिक करना है, आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और हमें मास्क के साथ इमेज मिल जाएगी।
हमारे सिलेक्शन के कटिंग के स्मूथनेस, शेप स्लाइडर यूज कर सकता हूँ, फीडर भी दे सकता हूँ, कंट्रास्ट भी कर सकता हूँ, आउटलाइन एजेस भी शिफ्ट करता हूँ। अगर बाहर का पार्ट ज्यादा सेलेक्ट हो गया है तो उसे अंदर भी ला सकता हूँ। और लास्ट में यहाँ आउटपुट में हमें लेयर मास्क चाहिए, तो कटिंग हो गई है, किसी बैकग्राउंड पे ड्रैग करके उसे चेक कर लेते हैं। कुछ इसमें प्रॉब्लम है तो हमें मास्क मिला है, इसलिए व्हाइट ब्रश से या ब्लैक ब्रश से हमारी इमेज में से बैकग्राउंड कट कर सकते हैं। यहाँ कट करना है थोड़ा, और यहाँ भी थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा समय दे दीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको आसानी से बैकग्राउंड कट करके मिलेगा। अब मैं एक कर्ली हेयर बच्चे का फोटो बैकग्राउंड कट करके दिखा देता हूँ। मैं बैकग्राउंड इमेज ले लिया है और एक कर्ली हेयर सब्जेक्ट ओपन कर दिया है। मैं टूल बॉक्स में जाकर सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ, सेलेक्ट मास्क पे क्लिक कर देता हूँ, सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। हमारा सब्जेक्ट पूरी तरह से सेलेक्ट हो चुका है, मगर यहाँ कुछ कर्ली हेयर्स में प्रॉब्लम है। हमारे पास लेफ्ट पैनल में 2 नंबर का ब्रश है, रिफाइन ब्रश। ये रिफाइन ब्रश सेलेक्ट कर देता हूँ, ब्रश की साइज थोड़ी बढ़ा देता हूँ। ये ब्रश के बीच में एक प्लस सिंबल है, वो सब्जेक्ट के बाहर रख के अंदर ड्रैग कर देता हूँ। दिखाई दे रहा होगा कि अपना बैकग्राउंड कट हो रहा है और हेयर्स के डिटेल्स पूरे आ रहे हैं। रिफाइन ब्रश सिंपली यहाँ हेयर्स के बाजू में ड्रैग कर रहा हूं, हमारी हेयर डिटेल्स आ रहे हैं। ये इमेज में हम स्मूथिंग, फीडर, कंट्रास्ट, ये शिफ्टिंग के ये स्लाइडर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पूरे हेयर डिटेल्स चाहिए। यहाँ आउटपुट सेटिंग्स में डी कंटेमिनेट कलर्स है, इसे चेक कीजिए, क्योंकि हेयर्स पे बैकग्राउंड की शाडो होती है वो निकल जाएगी। ये डी कंटेमिनेट कलर्स इसे चेक करके रखिए, और न्यू लेयर विथ लेयर मास्क अपनी कटिंग। ये इमेज मैं मूव टूल से अपने किसी बैकग्राउंड पे ड्रैग करके देखता हूं कि पूरे हेयर डिटेल्स आए हैं क्या। देखिए, पूरे हेयर डिटेल के साथ हमने 5-6 सेकंड में एक बैकग्राउंड कटिंग कर दी है। जरूरी है इस ऑप्शन का प्रैक्टिस करना, सेलेक्ट एंड मास्क और सेलेक्ट सब्जेक्ट। ये टूल्स आज ही यूज करके आपके इमेज का बैकग्राउंड कट करके देखिए, बहुत ही आसान है। धन्यवाद।